रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आंसू बहा रहे हो एक ऐसे इंसान को याद करके जिसके लिए तुम मैटर नहीं करते, जिसको तुम्हारे रोने से, गिड़गिड़ाने से, आंसू बहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? क्या तुम्हारे रोने से वापस आ जाएगी? क्या तुम्हारे गिड़गिड़ाने से पहले जैसा रिलेशनशिप बन जाएगा? क्या आंसू बहा लेने से पहले जैसा रिश्ता चल पाएगा? खुद से क्वेश्चन करो ना। कितने दिन से रो रहे हो? एक महीना, दो महीना, तीन महीना रो रो के क्या हासिल कर रहे हो? अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो, अपने आप की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो, अपनी खुशियों का गला अपने हाथ से घोट रहे हो। उसे जो करना था उसने किया, उसको तुम्हारे को छोड़ना था छोड़ा, किसी और के लिए तोड़ना था तोड़ा, किसी और के लिए छोड़ के जाना था छोड़ के गई। अब रो के क्या हासिल कर लोगे? क्या रो रो के वो वापस उसको ले आओगे? क्या आंसू बहा लेने से पहले जैसा रिश्ता बना सकोगे? नहीं बनेगा मेरे दोस्त। किस बात के लिए आंसू बहा रहे हो? एक ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपनी खुशियों को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने करियर को खुद बर्बाद कर रहे हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए तुम मैटर नहीं करते। मेरे दोस्त, ये शिफ्ट करना छोड़ दो। अगर उसको सच में परवाह होती, अगर वो सच में प्यार करती, तो क्या तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ के जाती? उसको फर्क पड़ता जब तुम आंसू बहाते, उसको फर्क पड़ता जब वो छोड़ के जाती, उसको फर्क पड़ता जब वो अकेले होती, उसको तुम्हारा प्यार याद आता जब ब्रेकअप हो जाता, उसको कुछ याद नहीं आया। ना तुम्हारा प्यार याद आया, ना तुम्हारे आंसू याद आए, ना तुम्हारे साथ याद आया, ना वो मुलाकात याद आई, ना वो कॉफी पे गई हुई बातें याद आई, कोई बात नहीं याद आई, बिकॉज तुम मैटर नहीं करते। तुम जियो या मरो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में खुश है, रोज सेल्फी अपडेट कर रही है, वीडियोस बना रही है, घूम रही है, एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आंसू बहा रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट फूंक रहे हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसको तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मर भी जाओगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ना होता तो छोड़ के ही ना जाती, फर्क पड़ना होता तो तोड़ के ही ना जाती, फर्क पड़ना होता तो तुमको तुम्हारे हाल पे ना छोड़ के जाती। यार कितने सैक्रिफाइसेस किए तुमने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आंसू बहाए, सेल्फ रिस्पेक्ट खोई, गिड़गिड़ाए, उसके लिए मिन्नतें करी, भगवान के पास गए, चादर चढ़ाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस चीज को समझो, भगवान का इशारा था, भगवान का ये पैगाम था कि चले जाने दे, छोड़ के चले जाने दे। एक ऐसे इंसान को दूर किया जो तुम्हारे लायक नहीं था, एक ऐसे इंसान को तुम्हारी लाइफ से दूर किया जिसकी वजह से तुम परेशान रहते थे। इस चीज को समझो, पॉजिटिव लो। आज वो छोड़ के चली गई, इन फ्यूचर वो छोड़ के जाती तो शायद तुम इससे बाहर भी ना निकल के आ पाते। जल्दी छोड़ के चली गई, तुम्हारी जिंदगी, बची हुई जिंदगी को बचा दिया, अच्छे से बना दिया। इन फ्यूचर थोड़ा सा रिलेशनशिप और लंबा चला जाता तो तुमको छोड़ना मुश्किल हो जाता। अब अपने लिए वक्त करना है, खुद के लिए वर्क करना है, अपने माँ बाप के लिए वर्क करना है, अपने फ्यूचर के लिए वर्क करना है। बहुत रो लिए, बहुत गिड़गिड़ा लिए, बहुत डेट कर ली, बहुत आंसू बहा लिए, अब नहीं रोना है, किसी के लिए नहीं रोना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिए या मरे, अब फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे रात ऑनलाइन रहे या पूरे दिन ऑनलाइन रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। किसके साथ सेल्फी डालेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। किसके साथ घूमेगी, ये अपने दिल में लाना है। जैसा उसने किया उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ना गाली देनी है, ना आंसू बहाने हैं, ना किसी से शिकायतें करनी है। अपने आप को एक्सप्लोर करना है, उस दिन तक मेहनत करनी है, उस रात तक मेहनत करनी है जिस दिन उसको ऐसी समझ आ जाए कि मैंने किसको खोया है। हीरे को खोया है कोयले के लिए, चांद को खो दिया है मैंने तारों के लिए। उस दिन तक मेहनत करना है और तुम्हारी कदर तो उसको जरूर समझ आ जाएगी। बहुत जल्दी तुम्हारी कदर उसको समझ आ जाएगी जब उसको तुम्हारे जैसा नहीं मिल पाएगा, जब उसको तुम्हारे से ऐसा नहीं मिल पाएगा, उसको तुम्हारी कदर जरूर याद आएगी। जब छोटी छोटी बातों पे सामने वाला लड़ने लगेगा तब उसको तुम्हारी याद आएगी। जब छोटी छोटी बातों पे सामने वाला उसे लड़ेगा, गाली गलौज करेगा, तब तुम उसको याद आओगे। लेकिन तुमको पिघलना नहीं है, अपने करियर पे फोकस रहना है, अपने आप पे फोकस रहना है, अपने खुद पे फोकस करना है और इस दुनिया को दिखाना है कि टूट के भी इंसान बदल सकता है, टूट के भी इंसान आगे बढ़ सकता है। तुम्हें एग्जाम्पल बनना है, अपने लिए वर्क करना है, खुद के लिए वर्क करना है, अपने माँ बाप के लिए वर्क करना है और दुनिया को दिखाना है कि मैं बेहतर हूं और तुम बेहतर हो। मेरा विश्वास है, इस दुनिया का विश्वास है, तुम्हारे माँ बाप की सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। बस उस लड़की से अपने आप को आजाद करो, वर्क करो, बेटर लाइफ बन के आएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।